इंशाल्लाह मेरा कोशिश ये है मैं परफॉर्म करूँ और अपना जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर मैं परफॉर्म करूँ और अपना मुल्क के नाम रोशन करूँ। एहसान, आपने जो अभी सीरीज़ खेली उसमें आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप पीछे शॉर्ट लेंथ बॉल काफ़ी मारे, तो यॉर्कर्स पर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कितना जो है वो बॉलिंग कोच के साथ इस वाले से काम कर रहे हैं? मेरा जो लेंथ बॉल है वो तो आप लोगों को पता है जो वो ऊपर आते हैं, तो मेरा जो वो है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी अच्छा हो जाएगा। और यार्कर पे जो उमर भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मैं यार्कर पे भी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो मुझे मौका मिलेगा, इंशाल्लाह आप यार्कर भी देखेंगे। एहसान भाई, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैथ्यू वेड को आउट करना आपका मिशन है, मैथ्यू वेड को तो आपने आउट कर लिया, फिर एहसान भाई आप नेक्स्ट टारगेट कौन है? अभी आप लोगों को पता है इंशाल्लाह जो मौका मिलेगा, इंशाल्लाह जो अच्छा बैट्समैन होगा उसको आउट करूंगा और फिर आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। एहसान, हमारे साथ इंटरव्यू में आपने बोला था कि इंडिया के साथ डेब्यू करना चाहते हैं, विराट कोहली की विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही अल्लाह ताला ने आपका डेब्यू करवा दिया है। अब एशिया कप और वर्ल्ड कप में क्या हदफ है इंडिया के खिलाफ? इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये जो अच्छे से अच्छा बैट्समैन है, इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको आउट करूँगा और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। एहसान, शाहीन और हारिस भी वापस आ गए हैं, तो किसी किस्म का कोई साथ सीरियस की वापस पे के प्रेशर और अगर कंपटीशन किसके साथ समझते हैं कि जिनके साथ बॉलिंग करने का आपको भी करेगा कि टीम के अंदर जो है प्लेइंग आप लोगों को पता है शहीन और हरीश राव वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो उनके साथ मुझे मज़ा आता है जो मैं उनके साथ नट करता हूँ और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत फ़खर की बात है जो मैंने इतने सीनियर के पास रह रहा हूँ और सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा। मेरी कोशिश ये है, मैं शुएब भाई तो आपको पता है लेजेंड प्लेयर है, बहुत बड़ा फास्ट बॉलर था और जो रिकॉर्ड उसने बनाया है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता, वो तो मुझे लग रहा है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। मेरा कोशिश ये है इंशाल्लाह मैं तेज़ बॉल करूँ और वर्ल्ड क्लास बॉलर बनूँ और जो टीम में मैं आया हूँ उसमें मैं जगह बनाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ।